जोधपुर की फेमस आलू प्याज की कचौरी बनाने का आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप अपने दुकान के लिए, घर के लिए कहीं भी इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं नई रेसिपी को। तो अभी हम तेल ऐड कर दिया है, तेल को गर्म आने देते हैं, उसके बाद में इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मैं आपको पहले थोड़े से मसाले बता देता हूँ कौन कौन से हैं। कि तेल जो है हल्का गर्म आ चुका है, इसको ज़्यादा गर्म ना ले, क्योंकि सभी मसालों को फ्राई करने में धीरे धीरे इनको फ्राई करना है ताकि सभी मसाले अच्छे से फ्राई हो सके। सबसे पहले इसके अंदर ये देखिए वरियाली ऐड कर रहे हैं, यानी सौंफ। तो ये यहाँ पर हमने लगभग 8 ग्राम ऐड की है। इसके बाद में साबुत धनिया लगभग 8 ग्राम। इसके बाद में जीरा आएगा इसके अंदर 5 ग्राम। तो धनिया, जीरा और बड़ी सौंफ को पहले अच्छी तरीके से भून ले, इनका कलर को ज़्यादा चेंज ना करे, धीमी आंच पर इनको भूने। और अब इसके अंदर ऐड होगा अदरक लहसुन का, ये हमने जो कूट कर लिया है वो, इसके जगह आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। मसालों को बिल्कुल भी जलने ना दें, क्योंकि कचौरी का मसाला स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों को फ्राई करने में पूरा ध्यान देना है। अब ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो हमने यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्च को लेकर कट किया था, इसे भी अच्छी तरीके से पका लेते हैं। अब इस स्टेज पर इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने इस तरीके से कट करके लिया था और ये पूरे प्याज इसके अंदर आपको ऐड कर देने हैं। और अब हम इनको अच्छी तरीके से, प्याज का कलर चेंज होने तक इसको अच्छे से भूनना है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस मसाले के अंदर इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए रेगुलर चीज़ें जैसे पुदीना और हम जो है कसूरी मेथी ऐड करते हैं, वो हम कौन सी यूज़ करते हैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है बालाजी BLS बालाजी लॉन्गी सप्लायर्स का प्रोडक्ट है। ये पुदीना पत्ती है। अगर आपको किसी सीज़न में पुदीना, हरा पुदीना अवेलेबल नहीं होता है तो आप ऑनलाइन इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये पुदीना पत्ती ज़्यादा दिनों तक आपको स्टोर करके रख सकते हैं। और ये है कसूरी मेथी, जो दोनों मिलकर हमारी हर एक प्रकार के जो मसाले बनाते हैं उसके अंदर ऐड करेंगे ना तो काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा। तो हम इसके अंदर जो है कसूरी मेथी और पुदीना पत्ती दोनों ऐड करने वाले हैं। तो इसका भी मेजरमेंट आपको बता देता हूँ। और इनको ख़रीदने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, अमेजोन से आप इसको परचेस कर सकते हैं। और अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड काम करते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदने के लिए कंपनी से संपर्क कीजिए। कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स वीडियो की स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। और 1 साल तक ख़राब नहीं होता है। तो अभी चलते हैं, दोनों ऐड करते हैं। यहाँ पर प्याज वगैरह सब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम आलू। तो आलू को यहाँ पर हमने बारीक करके लिया है, इसको ऐड करते हैं। और इसको भी अच्छी तरीके से पूरा मिक्स करते हुए पका लेते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर लगभग 50 ml जितना पानी हम ऐड किए हैं, ताकि मसाला अब हम डालेंगे तो वो जलेगा नहीं और धीरे धीरे पक जाएगा। अब इसमें मटर ऐड कर रहे हैं हम। अब आएगी लाल मिर्च पाउडर। गरम मसाला, नमक, हल्दी पाउडर, काला नमक। अब आएगा नींबू का रस। खट्टेपन के लिए नींबू का रस ऐड ज़रूर करें, इससे मसाले का स्वाद और कचौरी का स्वाद बहुत बेहतरीन आता है। अच्छी तरीके से सभी को मिक्स कर लेते हैं। अब हम फाइनली थोड़ा सा बेसन इसके ऐड कर रहे हैं, बहुत ही कम बेसन, ज़्यादा नहीं। बेसन ऐड करने से जो हमारा मसाला है वो एकदम अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा, ज़्यादा गीला ना रहेगा। और बेसन डालने के बाद धीमी आंच पर इसको अच्छे से पकाते रहे ताकि बेसन कच्चा कच्चा ना रहे।
और अब इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हम कसूरी मेथी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही में ऐड करेंगे पुदीना पत्ती, तो ये पुदीना पत्ती आप देख रहे हैं। तो अब इनको अच्छे से मिक्स करते हुए हमारा मसाला जो है पूरा फाइनल हो चुका है। बालाजी लॉन्गी सप्लायर्स के कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा क्वान्टिटी में भी आप उनसे ऑर्डर कर सकते हैं और अमेजोन पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर मसाला पूरा बन चुका है और ऊपर से हम हरा धनिया डालकर इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं। हरा धनिया डालने से इसकी इसमें खुशबू भी अच्छी आती है और ये दिखता भी अच्छा है। तो हमारा मसाला लगभग पूरा बन चुका है। तो मसाला यहाँ पर फाइनली तैयार हो चुका है, ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम कचौरी के लिए यहाँ पर डो लगाकर तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो मैदा लिया है और 1 किलो के अंदर 200 ग्राम हम यहाँ पर घी ऐड करेंगे। ये घी ऐड हो गया, अब हम इसके अंदर अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसके अंदर पानी ऐड करके इसका अच्छे से डो लगाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 450 ml पानी। कचौरी के लिए डो एकदम सॉफ्ट लगता है, एकदम ढीला डो लगता है, तो पानी की मात्रा जो बताई है वैसे ही लें। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पूरी इसकी रेसिपी लिखी हुई मिल जाएगी। ये डो यहाँ पर हमने लगा दिया है। अब इसको सेट करने के लिए एक ट्रिक आपको देता हूँ। डो को ऐसे उठाना है, ऊपर उठा के इसको पटकना है, ऐसे 5 से 6 बार इसको पटके ऐसे। तो ये डो यहाँ पर हमारा जो कचौरी का डो लगकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको जो है दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से रखते हैं। अब यहाँ पर ये जो मसाला है ठंडा हो चुका है। अब इस मसाले की हम जो है बॉल्स बनाएंगे। तो जिस साइज़ की आपको कचौरी बनानी है वैसी बॉल बनाकर यहाँ पर तैयार करें। तो इस तरीके से हम बॉल बनाकर यहाँ पर रख लेते हैं पूरे मसाले की। अभी यहाँ पर देख सकते हैं पूरी हमने बॉल्स बनाकर तैयार कर दी है मसाले की। अब हम यहाँ पर दोस्तों ये जो कचौरी का डोल हमने लगाया है इसमें से हम थोड़ा सा डोल लेंगे और इसमें से इसकी छोटी छोटी जो साइज़ की आपको चाहिए वैसी लोइयाँ बना बना कर तैयार करेंगे। लोई बनाने के लिए आपको आइडिया देता हूँ। जैसे मैंने हाथ में डो को पकड़ा है तो आपको क्या करना है, इस ऊपर वाले अंगुली को इस तरीके से दबाना है। तो ये आपको इस साइज़ की आपको लोई ले लेनी है। तो इसी तरीके से लोई को निकालें ताकि एक जैसी साइज़ की लोइयाँ आपकी निकलेगी। ये देखिए, तो ये मैंने बना दी है। अब दो लोइयाँ मैं आपको भरकर दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर साइज़ आप अपने अनुसार रख सकते हैं, छोटी बड़ी जैसी भी आपको कचौरी बनानी हो। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं, पहले इसको अच्छे से राउंड कर देना, ठीक है। राउंड कर दिया, फिर इसको इस तरीके से, तो ये देखिए इसको हमने इस तरीके से जो है चौड़ा कर दिया पूरा। और अब यहाँ पर हम जो है ये मैंने मसाले की बॉल ले ली है, इसको यहाँ रखते हैं, इसको उल्टा करते हैं और इस तरीके से इसको जो है हाथ से दबाना है और नीचे वाले हाथ से इसको ऊपर धकेलना है। और इस तरीके से मसाला देखिए, यह अंदर मसाला चला गया। अब इसको इस तरीके से पैक करना है। तो ये देखिए, ये हमारा माल ऊपर पैक होके निकल गया। अब इसको हमें इस तरीके से राउंड करना है। बस ये कचौरी हमारी भरकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको जब फ्राई करेंगे ना, तब इसको हम छोड़ा करके चपटा करके फिर फ्राई करने का वो भी तरीका हम आपको बताएंगे। तो मसाला भर भर के यहाँ पर हम पूरी बॉल्स को रख लेते हैं। तेल यहाँ पर एकदम धीमी आंच पर गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। यहाँ पर कचौरी हमने सब भर दी है। अब यहाँ पर हम कचौरियों को इस तरीके से फैला फैला कर फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ये यहाँ पर की कचौरी को मैंने पूरी फैला दी है, चौड़ी कर दी है। अब हम इसको जो है तेल के अंदर
रख देते हैं। ये धीरे धीरे फ्राई होने होकर ऊपर आने लगेगी। जितनी अच्छी फैलाएंगे उतनी अच्छी ये बड़ी बड़ी बनेगी। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं पूरी कचौरी को हमने यहाँ पर पकने के लिए डाल दिया है। धीरे धीरे ये पक रही है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हल्का हल्का जो कलर चेंज हो रहा है और एकदम धीमी आंच पर हमने रखा है, ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी है। और फ्राई करते वक्त देखिए जिस पर लेप कम आता है ना, समझिए हमारा जो कोटिंग हम करते हैं वो कम आती है, तो कोई कोई पीस जो है इस तरीके से फट जाता है। ये देखिए यहाँ पर हमारे दो पीस डैमेज हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ऊपर से एक साइड से पक चुकी है, तो इसको हम दूसरी साइड से पकाने के लिए इस तरीके से पलट रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी कचौरियाँ जो है अच्छी तरीके से फ्राई हो रही हैं। इनको फ्राई होने में पूरे 10 मिनट का समय लगता है, क्योंकि धीमी आँच पर इसको पकाना पड़ता है, तभी जाके कचौरियाँ हमारी अच्छे से फूलती भी हैं और अच्छे से पकती भी हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारी कचौरियाँ पूरी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको बाहर ले लेते हैं। और आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि गलतियाँ सबसे होती हैं, उसी में से एक गलती देखिए आज क्या हुई है कि हमने जो कचौरियाँ बनाई थी जब हमने इनको मसाला भरा था, तो कहीं कहीं कोई कोई कचौरी जो है अच्छी तरीके से उसके ऊपर मैदे से कोटिंग नहीं हुई, तो जो अच्छे से कोटिंग नहीं हुई थी वो हमारी जो है फ्राई करते वक्त फूट गई। फूटने की वजह से इसके अंदर जो है मसाला बाहर आ गया। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें, उसको अच्छी तरीके से कोटिंग करें, उसके बाद में ही फ्राई करने के लिए डालें। जब आप कोटिंग करते हैं तो अंदर से मसाला दिखना नहीं चाहिए, उस हिसाब से कोटिंग करें। तो यहाँ पर हमने इस बात को भी समझाने का जो है, ये एक कचौरी फूट गई इसलिए वो भी मैं आपको समझा सका हूँ। तो इस बात का ध्यान रखें। अभी हमारी कचौरियाँ पूरी फ्राई हो चुकी हैं, इनको हम तेल से ले लेते हैं बाहर और फिर मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगा कि इधर अंदर कैसे मसाला बना है। तो अभी हम इस बर्तन के अंदर कचौरियों को पूरा ले लेते हैं। फाइनली दोस्तों कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही शानदार टेस्टी और लाजवाब फुली फुली सी बनकर तैयार। एक पीस आपको तोड़कर दिखाते हैं अंदर कैसा माल बना है, कैसे पकी हैं, देख सकते हैं एकदम खस्ती बनी है। अब इसको आप किसी भी चटनी सब्जी के साथ खा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बनी है हमारी कचौरी। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और इसके अंदर ऐड किए मसालों का पूरा मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, तो आप वहाँ से ज़रूर देखकर इस रेसिपी को बताए अनुसार बनाइए।